हाय एवरीवन, दिस इज पवन शर्मा। बात करेंगे मार्केट एनालिसिस फॉर 17th ऑफ नवंबर। आज का वीडियो थोड़ा सा लेट आया, रीजन बीइंग एक इवेंट में गया हुआ था, ट्रेडर इवेंट्स में थोड़ा सा वो लेट खत्म हुआ, तो जैसे घर आया सबसे पहले वीडियो बनाया है। कल भी थोड़ा सा हो सकता है आपके लिए लेट वीडियो आएगा, सॉरी अबाउट दिस वन। चलिए वीडियो में शुरू करते हैं। अगर आज आपको याद हो, आज हमने कुछ पॉइंट्स टच किए थे, कुछ मेजर पॉइंट्स के बारे में टेलीग्राम चैनल पे, जैसे मैंने आपको अपडेट किया था। और अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक अवेलेबल है, अभी जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पर मैंने आपसे कुछ कहा था, पहला मैंने आपसे कहा था सपोर्ट रेसिस्टेंस के बारे में, निफ्टी का भी और बैंक निफ्टी का भी। अगर आप देखेंगे ऑलमोस्ट 450 का जो हमारा रेसिस्टेंस था, वहीं पर उसने हाई बनाया और क्लोज लो बनाया, कितना समय, क्लोज टू 100 पॉइंट का फॉल यहां से लेके यहां तक, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी चाहिए। दूसरा, हमने बैंक निफ्टी के बारे में बताया था। एक और चीज थी जो हमने टच किया था, एंड दैट वाज दैट इन बैंक निफ्टी, जो निफ्टी का फ्यूचर होता है, ये निफ्टी का स्पॉट प्राइस है, ये ट्रेड नहीं होता, तो निफ्टी का फ्यूचर ट्रेड होता है। अगर स्पॉट से फ्यूचर ऊपर ट्रेड करे उसको कहा जाता है प्रीमियम पे, तो प्रीमियम कम हो गया है, और अगर नीचे कर रहा तो वहां पर उसको कहते हैं डिस्काउंट, कि निफ्टी का फ्यूचर डिस्काउंट में ट्रेड कर रहा है। तो आज निफ्टी का फ्यूचर तो प्रीमियम पे ट्रेड कर रहा था और बैंक निफ्टी का फ्यूचर डिस्काउंट में, मतलब थोड़ा सा कम हो गया, डिस्काउंट नहीं आया, वो पहले यहां था तो अब यहां आ गया है, थोड़ा सा कम हो गया है। इसका मतलब ये है कि बैंक निफ्टी में हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। ये कॉमन चीजें हैं। देखिए, अगर आपको इंडेक्स अगर ट्रेड करना है, इस तरह की इंफॉर्मेशन आपके पास में होना चाहिए। मैं आपको हर रोज अपडेट करता हूं और हमेशा एक बात कहता हूं कि नथिंग कम्स फॉर फ्री। तो अगर आपको एक सीक्वेंस डिटेल में चाहिए, उसके लिए फिर आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं इन माय ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। अदरवाइज वही चीज जो हम ट्रेनिंग प्रोग्राम में एक सीक्वेंस में एक कंप्लीट फ्लो के साथ में सिखाते हैं, यहां पर एग्जैक्टली वही चीज हम आपको हर रोज बिना किसी कट किए, बिना कुछ छुपाए, एवरीडे वी एक्सप्लेन यू ऑल दीज थिंग्स। बस क्या है कि वो एज पर द मार्केट मूवमेंट हमारा जो है आपके पास में इंफॉर्मेशन आता है। तो कल का सिचुएशन ये है, बैंक निफ्टी एक मेजर इंडेक्स है, उसको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो वहां पर अगर प्रॉफिट बुकिंग आया तो वो निफ्टी को भी पुल कर लेगा, और यहां पर अगर पुल होता है और यहां पर कोई भी चीज बैंक निफ्टी में अगर हमें मिलती है तो वहां पर हमारे पास क्या सिचुएशन है। मैंने चार्ट जानबूझ के 30 मिनट का रखा है, रीजन बीइंग आज और कल ज्यादा मूवमेंट नहीं हो रही है, तो चार्ट का जो इंट्राडे वाला फ्लो है वो ज्यादा एक्यूरेट नहीं है। इनफैक्ट हमारे पास जो 30 मिनट का चार्ट है वो ज्यादा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है। अगर आप यहां देखेंगे और अगर आप नीचे की तरफ देखेंगे यहां से, राइट, मेक सेंस। इसका मतलब ये है कि ये जो लेवल है दैट इज 18450, और ये जो लेवल नीचे आ रहा है ये कहां आ रहा है, आई थिंक दैट इज कमिंग अराउंड 380 एंड दैट इज 18380। देखिए क्लियर आपको नजर आ रहा है, 370 कर लीजिएगा अगर आप इसको भी कवर करते हैं, 18 ना करके चलिए हम इसको 70 कर लेते हैं, 370। सो दिस विल गिव यू योर एंट्री फॉर टुमारो। ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी ना, ये एक क्या बना हमारा पैटर्न, रेक्टेंगल पैटर्न, नीचे की तरफ हमारे पास में ये इसका थोड़ा सा हर्डल रहेगा। अगर आप पेशेंस ट्रेडर हैं तो इस पूरे दिन की रेंज के बाद में ही ट्रेड करें, ज्यादा प्रॉफिट होता है। जो हम सोचते हैं ना 20 पॉइंट का ये जो लालच होता है, ये कभी कभी हमारे लिए वो 20 पॉइंट के बजाय 2-4 पॉइंट ही हमें मिल पाते हैं, एंट्री एग्जिट में निकल जाते हैं। लेकिन अगर ये जो इसका नीचे का लेवल, अगर ये फुल ब्रेक हो जाता है तो हमारे पास एक बड़ा फॉल आएगा, उसके बाद कितना आएगा, उसके बाद हमारे पास कुछ नहीं तो आई वुड से एटलीस्ट 80-100 पॉइंट का फॉल आएगा। तो अब आपको ये डिसाइड करना कि आप किस तरह के ट्रेडर हैं। अगर आप पेशेंस ट्रेडर हैं तो 350, अगर आपको जो एक फ्लो के साथ चलना है, इमीडिएटली एंटर करना है, वहां पर 370 और ऊपर की तरफ ये। याद रखिएगा, अगर आप बाय करते हैं पहले अटेम्प्ट में बाय नहीं करना, और आप सेल करते हैं तो पहले फॉल के अंदर आपको सेल नहीं करना है। तो ये लेवल रहेंगे हमारे निफ्टी के लिए कल। बात करते हैं बैंक निफ्टी के बारे में, और फ्रेंड्स अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज गो एंड सब्सक्राइब फर्स्ट और फिर आगे वीडियो में पढ़िएगा। यहां पर अगर आप देखेंगे, यहां भी आपको कुछ ना कुछ क्लियर मूवमेंट नजर आ रही होगी। कैसे, देखिए यहां से पहला एक राउंडिंग बॉटम बना,
उसके बाद में एक राइज आया जिसको आप कहते हैं ब्रेकआउट, ठीक है। उसके बाद में ये एक रेंज बना ली, और रेंज कितने पॉइंट की है, रेंज है 200 पॉइंट की। ये क्या इंडिकेट कर रहा है, वॉल्यूम स्क्वीज हो गई है। ये क्या इंडिकेट कर रहा है, जो हम आज बात कर रहे थे कि ऊपर की तरफ देखिए जो हमारा 42550 से लेके जो 600 का हमारा रेसिस्टेंस था, वहीं पर जाके उसने रेसिस्टेंस फेस किया और नीचे आके क्लोज किया। सेम विल हैपन टुमारो आल्सो, लेकिन अब हमारे पास ये जो अब रेंज देख रहे हैं, ये रेंज क्लियर नजर आ रही है। ऊपर की तरफ हमारे पास में 42600 है और नीचे की तरफ 42400 है। कल हमारा पूरा ट्रेड जो भी रहेगा इस रेंज के ऊपर और इस रेंज के नीचे ही रहेगा। तो हमें क्या करना है, ये रेंज ब्रेकआउट होने देना है, उसके ऊपर ट्रेड करता है वही सेम कॉन्सेप्ट, 10 बजे से पहले ट्रेड लेना नहीं है। कल हमारा वीकली एक्सपायरी है, उसकी वजह से थोड़ा सा वॉलेटिलिटी ज्यादा रहेगी, उस बात को ध्यान रखिएगा। और अगर आप यहां देखेंगे ये चीज जो है आपके लिए, ये वापस जब नीचे गिरे तो एक बार उसको रेसिस्टेंस बनने दीजिएगा, तभी आपको फर्दर फॉल के साथ में एंटर करना है, पुट बाय करना है, फ्यूचर सेल करना है, वट एवर योर पॉकेट अलाउज। फर्स्ट अटेम्प्ट में रिस्क ज्यादा होता है, सेकेंड अटेम्प्ट में रिस्क कम होता है, इसलिए हम आपको सेकेंड अटेम्प्ट की तरफ ज्यादा ध्यान देते हैं। तो ये रहेंगे लेवल्स हमारे ब्रेकआउट की वजह से ऑन बैंक निफ्टी। रिकैप में हमारे पास पहला पिक था चंबल फर्टिलाइजर 296 और 293। देखिए पहला कैंडल यहां पर बना, यहां पर हुआ, इसका मतलब यह है कि ना तो हमारे पास 296 आया ना ही 293 आया, बिकॉज उसके बाद में अगर आपको कोई ट्रेड मिला है तो 291 पे मिलेगा। रीजन बीइंग यही तरीका होता है, जब आपको फर्स्ट अटेम्प्ट तो हो गया ना, सेकेंड अटेम्प्ट कहां किया, 292 के आसपास उसको सेकेंड अटेम्प्ट मिला, लेकिन वो 15 मिनट में ही हो गया। उसके बाद जो अटेम्प्ट हुआ ये यहां होगा। ये आपको जो 9:30 से पहले 9:40 से पहले कोई ट्रेड नहीं लेना था, इसलिए कहा जाता है, बिकॉज कभी कभी आप बहुत लकी होते हैं, कभी कभी यही लक आपका सारा पैसा लेके चला जाता है। दैट्स वाई अगर आपने यहां ट्रेड लिया तो अच्छा प्रॉफिट, अदरवाइज एज पर माई लेवल 288 से 285 का सेकंड टारगेट से नीचे गया था, तो मुझे तो खुश होना चाहिए क्योंकि लेवल मैंने दिए थे सेकंड टारगेट हिट हुआ, बट ट्रेड बनना चाहिए तभी आपको पैसा मिलेगा। तो ये रहेगा आपका एंट्री यहां पे, उसके बाद अच्छा प्रॉफिट। देन वी हैव आईसीआईसी बैंक 915 एंड 908। अगर आप ध्यान से देखेंगे 915 पहला यहां पर और यहां पर, ये देखिएगा पूरा दिन रेंज बाउंड, मतलब ना तो 915 हमारे हाथ लगा ये यहां पर, और 908 भी हमारे हाथ नहीं लगा, विच मीन्स नो ट्रेड इन आईसीआईसी बैंक। देन वी हैव इस अदानी पोर्ट्स, अदानी पोर्ट में 916 एंड 900 पूरा दिन उसी रेंज में रहा, इसको कहा जाता है सप्लाई जोन। और वापस अगर आप देखेंगे ये राउंडिंग टॉप बन गया, फिर से और एक बार बड़ा फॉल, पूरा दिन रेंज बाउंड रहा। 2 बजे के बाद मूवमेंट आया, तब तक हम ट्रेड में नहीं रुकते हैं, बिकॉज तब तक आप एडिक्टेड हो जाएंगे, ट्रेड मिलते रहेंगे, जबरदस्ती के ट्रेड लेते रहेंगे। अगर आपको ऐसा कुछ करना है तो वो ब्रोकर चूज कीजिए जहां पर आपको ज्यादा ब्रोकरेज ना देना पड़े। सो नो ट्रेड इन हेयर ऑल्सो। यहां पर हमारे पास में था पावर ग्रिड, पावर ग्रिड की बात करें तो पहला और दूसरा और तीसरा ये देखिए, इसलिए मना किया जाता है कि पहले 15 मिनट के ब्रेकआउट अगर आप एंटर करते हैं ट्रेड अच्छा मिलेगा, और अगर इस टाइप की मूवमेंट मिले तो ट्रेड नहीं मिलेगा। लेकिन ये बेस्ट ट्रेड है जहां पर आपको सपोर्ट से बाउंस हुआ था, तो एज पर माई लेवल 217 एंड 214 से बाउंस बैक हुआ था, और 217 का तो हमारे पास ऊपर जाके हाई ही बना था। सो दैट इज इन पावर ग्रिड। स्टॉक सिलेक्शन में हमारा पहला पिक रहेगा दालमिया भारत। यहां भी मैं 30 मिनट का टाइम फ्रेम ले रहा हूं, आप वन डे पे भी इसको चेक कर सकते हैं। मैंने पहले सब चार्ट को वन डे पे टाइम फ्रेम पे पिक किया है, और जहां मुझे लगा कि ये एक रेंज बाउंड मूवमेंट है उसके बाद मैंने 30 मिनट पे कन्वर्ट किया है, सो दैट आई कैन प्रोवाइड यू मोर क्लैरिटी। और ये आपको ऐसे नजर आएगा, और यहां से कुछ ऐसा, विच मीन्स दैट नीचे की तरफ 1700 का आपके पास में सपोर्ट है, उसको ब्रेक होने के बाद में आपका बनेगा यहां पर सेल। और अगर आप ऊपर की तरफ देखेंगे तो यहां पर आपको मिल रहा है 1715 का बाय, इसके ऊपर के ब्रेक होने के बाद में बाय।
और अगर आप इसको डेली टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो इतनी क्लैरिटी आपको नहीं मिल पाएगी। सो हम इसको ब्रेक होने के बाद में सेल और उसको ब्रेक होने के बाद में बाय करेंगे डालमिया भारत को। देन वी हैव इस बिरला सॉफ्ट। अगर आप इंफोसिस को छोड़ के बाकी अगर मैक्सिमम स्टॉक्स को देखेंगे तो कहीं ना कहीं टीसीएस ब्रेकआउट नजर आ रहा है और बाकी कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जो आईटी वाले जो कहीं ना कहीं आपको सेलिंग अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, बाइंग कम। तो अगर आप नोटिस करेंगे पहला यहां पे हिट, फिर एक ये देखिए, इट मींस दैट यहां पर एक दो तीन चार, चार दिन से उसी रेंज में ट्रेड कर रहा है, कहीं नहीं जा रहा, और आज उस रेंज को उसने नीचे की तरफ ब्रेक किया है। और अगर आप ध्यान से देखेंगे अगर ये वापस ब्रेक करेगा तो टारगेट वापस ऊपर भागेगा ना, आज की क्लोजिंग है 279, 280 के ऊपर जाएगा तो ये जो सपोर्ट लाइन है, अब रेसिस्टेंस जो बन गई है, ये क्रॉस कर लेगा, स्टॉक ऊपर भागेगा तो हम करेंगे बाय। नीचे की तरफ अगर आप ध्यान देंगे तो आई वुड से 277 को ब्रेक होने के बाद में यहां पर बनेगा आपका सेल इन बिरला सॉफ्ट में। अगला ट्रेड रहेगा That will be Coal India। देखिए अभी डिविडेंड के बाद में मैंने आपसे पहले भी कहा है कि जब भी स्टॉक डिविडेंड प्रोवाइड करता है उसका मतलब होता है कि वो अपने पॉकेट से पैसा इन्वेस्टर्स को दे रहा है, उससे उसकी मार्केट कैप कम हो जाती है और उसकी वजह से कभी कभी स्टॉक में भी आपको फॉल देखने को मिलेगा। यहां पर अगर ध्यान देंगे ये ऐसे बन रहा है, VDL अपना इलेक्ट्रोलाइट का बिजनेस सेल ऑफ कर रहा है टू फोकस ऑन माइनिंग, विच मीन्स यहां पर ज्यादा पैसा है, उसके वजह से कोल इंडिया में अभी बहुत अपॉर्चुनिटी। हमने पहले भी कोल इंडिया बाय किया था, फिर से अगर आपसे मिस हो गया है फिर से री एंट्री आ रही है। फिलहाल तो हम बात कर रहे हैं इंट्राडे की। यहां पर अगर आप ध्यान से देखेंगे 235-236 के ऊपर हमारा यहां बाय बन रहा है, और अगर नीचे की तरफ देखेंगे तो 233 को ब्रेक होने के बाद में यहां पर हमारा सेल बन रहा है। तो ये लेवल इस कंडीशन में बनेगा, आप चाहें तो उसको ऐसे भी कर सकते हैं, इसको कहेंगे असेंडिंग ट्रायंगल। तो इस बेसिस पे आप यहां पर कोल इंडिया को ट्रेड कर सकते हैं। देन वी हैव इज आईसीआईसी जनरल इंश्योरेंस। यहां पर देखेंगे इसको कहा जाता है ब्रेकआउट ये वाला, और फर्दर उसको कहा जाता है फर्दर कंसोलिडेशन। यहां पर कंफर्मेशन आएगा, ये गया तो ऊपर भागेगा, ये गया तो नीचे भागेगा, अच्छा लेवल रहेगा। तो हम क्या करेंगे, हम इसके ऊपर अभी क्लोजिंग कहा है 1133, ये क्या बना है हमारा हाई आज का, ये बन गया हमारा 1133 का ही, ये कैसे हो सकता है, चलिए कुछ गड़बड़ लग रहा है मुझे, बट आई थिंक अच्छा क्लोजिंग में भी। यहां पर अगर आप देखेंगे वन डे के टाइम फ्रेम पे, एक सेकेंड रुकिएगा, यहां पर 1131 का हमें क्लोजिंग दिख रहा है। सो दिस डेटा इज समथिंग, देखिए चेंज हो गया, सॉरी यहां पर 1131 दिख रहा है, तो विच इज फाइन, और 1137, तो हम क्या करेंगे 1140 के ऊपर बाय करेंगे, और हम क्या करेंगे 1120 को ब्रेक होने के बाद में यहां पर सेल करेंगे। और 30 मिनट टाइम फ्रेम पे ये चीज आपको क्लियर नजर आ जाएगा, ये इसलिए दिख रहा था क्योंकि हमारा शायद जो भी माउस है वो यहां पर नहीं था, तो दैट विल बी द रीजन, माउस आता है ना तो वो लास्ट कैंडल का जिस पे माउस रखेगा वो दिखाता है, तो कोई ग्लिच नहीं है, हमारा माउस शायद यहां रहा होगा। सो गाइज ये रहेगा हमारा स्टॉक्स फॉर टुमारो। जाने से पहले वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा चैनल को। आई विल सी यू इन टू माय नेक्स्ट वीडियो, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।